नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्विनी साक आपके अपने चैनल साकेटेक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये बेसिक फंडामेंटल कोर्स में हम सीख रहे हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कितनी जनरेशंस होती हैं। आइए चलते हैं। जीरोथ जनरेशन मतलब जिस टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उस जनरेशन को मेजर किया है जीरो जनरेशन पे। मैन यूज्ड हिज फिंगर्स रॉब्स बीड्स बॉन्स पेवल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फॉर काउंटिंग। पहले क्या होता था, इंसान जो होता था वो अपनी उंगलियाँ, ठीक है, अपनी बॉन्स या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो उसको मिल जाते थे, पेवल्स देख लेता था, तो उन चीज़ से अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर लेता था, कैलकुलेशंस कर लेता था। उस टाइम पे उसके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई मशीन नहीं थी। फिर अबेकस, सेकंड पॉइंट है अबेकस, पास्कलियन डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन्स। अबेकस यूज हुआ था, जिसको बोलते हैं हिंदी में गिनतारा। सबसे पहले जो यूज हुआ था काउंटिंग के लिए वो सबसे पहले था अबेकस, ठीक है, और एनालिटिकल इंजन्स भी आए थे। उस टाइम हुआ क्या था, इलेक्ट्रिसिटी है वॉज नॉट एट इन्वेंटेड। उस टाइम पे जीरो जनरेशन में हम लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, क्योंकि एबेकस एक इस तरीके का कंप्यूटर माना गया है जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं पड़ती है, किसी भी बिजली की नीड नहीं पड़ती है। ये तो बात थी हमारी जीरो जनरेशन की। अब आते हैं फर्स्ट जनरेशन पे। दोस्तों, हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं फर्स्ट जनरेशन पे। ये जो जनरेशन है इसका टाइम पीरियड रहा है 1951 से 1958 तक। इसमें जो यूज होता था वो होता था वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैरेक्टराइज्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे, इसी तरीके से इसको कैरेक्टराइज बांटा गया है, जो कि 1951 से स्टार्ट हुआ था, विद द क्रिएशन बनना स्टार्ट हुआ था। इसका जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम दिया था यूनिवैक, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस कंप्यूटर मशीन का काम क्या था, ये सबसे फास्ट थी और यूएस में ये सेंसस प्लेस थी 1890 में ये चीज़ प्लेस हुई थी यूनिवैक की, ठीक है। अब आता है वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स होता है और इसमें लाइट बल्ब लगा होता है, ठीक है ना, लाइट बिजली का बल्ब लगा होता है। उसके आगे चलते हैं। अब जो इसके फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनके नाम हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्रथम प्रणाली का कंप्यूटर है या फिर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, तो यह फर्स्ट नंबर पर आता है ENIAC, IDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है ENIAC, ENIAC, IDVAC, EDVAC, UNIVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। ये सारे सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। इसके डिसएडवांटेज क्या थे फर्स्ट जनरेशन में, देखते हैं। दे जनरेट मोर हीट कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम्स इन टेम्परेचर रेगुलेशंस एंड क्लाइमेट कंट्रोल। ये जनरेट करता था, ज़्यादा हीट आती थी जिससे कि टेम्परेचर रेजोल्यूशन कंट्रोल करने में दिक्कत होती थी, क्लाइमेट हमारा जो था वो हीटेड रहता था, इन्वायरमेंट हीटेड रहता था। ये इसका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। और जो जो ट्यूब्स होती थी वो फ्रिक्वेंट अचानक से बर्न आउट हो जाती थी, ठीक है, अचानक से वो क्या हो जाती, बर्न आउट मतलब जल जाती थी। फिर इसके बाद आया जब इसका डिसएडवांटेज हुआ तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स बनाए गए जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1959 से 1964 के बीच में रहा, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर।
इस जनरेशन में बेसिकली ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है कि इस जनरेशन में किस चीज़ का यूज़ हुआ है, ये ट्रांजिस्टर का। द ईयर 1959 मार्क द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स विच करेक्टराइज द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग किया गया उस टाइम पे ही, हमने इस चीज़ को फर्स्ट जनरेशन पे से सेकेंड जनरेशन का नाम दिया। फर्स्ट जनरेशन में क्या था हमारे पास, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या है, ट्रांजिस्टर। इसलिए मैंने फर्स्ट जनरेशन को छोड़ करके वहीं पे 1959 से हमने जब मेरा ट्रांजिस्टर बना वैसे ही मैंने इसको सेकेंड जनरेशन नाम दे दिया। ठीक है, ट्रांजिस्टर वाज अ थ्री लेगल्ड कंपोनेंट विच संक द साइज ऑफ दिस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स ऑक्यूपाइड ओनली 1/100th ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई द वैक्यूम ट्यूब। ये 1/100 स्पेस कम संक कर लेता था जो ट्रांजिस्टर है, जो वैक्यूम ट्यूब का जो साइज था उससे 1/100 हुआ। ये मोर रिलायबल था, हैड ग्रेट कंप्यूटेशनल स्पीड, इसके पास कंप्यूटेशन करने की स्पीड बहुत फास्ट थी, रिक्वायर्ड नो वार्म अप टाइम, इसके लिए कोई ये नहीं था कि मतलब किसी भी चीज़ को जले, ट्रांजिस्टर था। ठीक है, कोई वायर नहीं था कि वायर जल गया बर्न आउट हो गया, कंज्यूम फॉर लेस इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी लेता था वो वैक्यूम ट्यूब्स की अपेक्षा कम लेता था ट्रांजिस्टर जो है। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के नाम हैं जो उस टाइम पे बनाए गए थे। आगे चलते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो हमारी आई थी वो आई थी 1965 से 1970 तक। इसमें IC का यूज़ हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स अरोज इन 1965 विद द इन्वेंशन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs जिसको बोला गया। जब 1965 में ICs इन्वेंट हुई, इन्वेंशन हुआ ICs का, उसी टाइम पे हमने इस सेकेंड जनरेशन को वहीं छोड़ करके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर नाम दे दिया। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, एक ये स्क्वायर सिल्किन चिप होती है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स वर्क करते रहते हैं, ठीक है, फंक्शंस लगे होते हैं और ट्रांजिस्टर्स सैकड़ों अमाउंट में होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ अमाउंट्स में होते हैं ट्रांजिस्टर्स ICs, मतलब ट्रांजिस्टर्स को कंबाइंड करके उन्होंने एक ICs बना दी, इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया। ठीक है, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके नाम है IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर जो यूज़ होता था वो किसका है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है PDP का। ठीक है, ओ लेवल में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये PDP का, पर्सनल डेटा प्रोसेसर, ये किस जनरेशन के कंप्यूटर में आता है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है PDP। IBM 370, IBM आपने देख रखा होगा हर एक जनरेशन में ये बना है, लेकिन सभी का जो नंबर है वो चेंज होता रहा है। IBM 370 /168, TDC 316। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन के एडवांटेज क्या थे, क्योंकि भैया इसमें क्या होता था, इसमें कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो उसके एडवांटेज हैं, रिलायबिलिटी बढ़ती है, अनलाइक वैक्यूम ट्यूब्स सिलिकन विल नॉट ब्रेक डाउन ईजली, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स था वो ब्रेक डाउन हो जाता था हीटेड से, बर्न आउट हो जाता था, लेकिन जो सिलिकन चिप है वो तो नहीं होगी ब्रेक डाउन, इट इज़ अ वेरी सेल्डम दैट यू विल हैव टू रिप्लेस इट, और इसको जो ट्रांजिस्टर जो हमारा ICs थी इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं हम, एक चीज़ कोई ख़राब होगी IC अगर बर्न आउट हो जाती है तो उसकी जगह दूसरी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लो कॉस्ट, इसकी लो कॉस्ट एंड कम प्राइस मिलता है, सिलिकन चिप आर रिलेटिवली चीप, सस्ती होती है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, क्योंकि इसके पास स्मॉल साइज होता है, अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, और ये मार्केट में अवेलेबल रहती है, इट ऑल्सो कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है, ठीक है, कम कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिसिटी। फिर आता है हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन दोस्तों 1971 से 1980 तक रहा है, ठीक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज हुआ है, BLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन को माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन भी बोला जाता है कहीं कहीं। BLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स बनाए गए थे फोर्थ जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर, हमने जो स्लाइड बनाई है, जो नोट्स बनाए हैं, वो मैंने बहुत शॉर्ट कंसाइज बनाए हैं, ठीक है। समझाने की कोशिश की है, एग्ज़ाम बेस्ड आपको समझाने की कोशिश की है, आपको क्वेश्चन कैसे पिक करना है, ठीक है, उस बेस पे ओ लेवल का हो गया, CCC का हो गया, कैसे क्वेश्चन पिक करना है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो गए। BLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। उससे पहले देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिलिकन चिप दैट कंटेन्स द CPU पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर ऑल प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? एक चिप होती है जो कि CPU कंटेन करता है, CPU के अंदर होता है प्रोसेसर, जो कि सारी की सारी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कहते हैं ना भाई, इसका प्रोसेसर कितना है, सिस्टम का प्रोसेसर कितना है, i3 है, i5 है, i7 है, तो वो क्या होता है, सिलिकन चिप होती है वो। BLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। BLSI सर्किट हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स एंड देयर एसोसिएटेड सर्किट्स ऑन ए सिंगल चिप मेड इट पॉसिबल टू हैव माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन। जब BLSI आया तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर 5000 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं एक BLSI में, एक चिप में 5000 ट्रांजिस्टर्स एक साथ लगे होते हैं, उसके साथ अदर सर्किट्स के एलिमेंट्स कंपोनेंट्स लगे रहते हैं जो कि हमारी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को पॉसिबल बनाते हैं। एक सिंगल चिप में क्या होता है, 5000 ट्रांजिस्टर्स और उसके कुछ अलग सर्किट एलिमेंट ऐड होते हैं एक सिंगल चिप में, ठीक है। ये फोर्थ जनरेशन की सबसे बड़ी विशेषता है। फिर आता है 4004 चिप, ठीक है, ये इसका भी क्वेश्चन आता है, ये किसने बनाई थी। 4004 चिप वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटेल कॉरपोरेशन। इंटेल कॉरपोरेशन ने 4004 चिप फर्स्ट टाइम दिया था। इस प्रोसेसर का नाम पहला प्रोसेसर था, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता था पहले प्रोसेसर का नाम बताओ, पहला प्रोसेसर जो था उसका नाम था 4004 चिप, ठीक है, जो प्रोसेसर में यूज़ हुई थी उस चिप का नाम, ठीक। आगे चलते हैं, जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स उनके नाम हैं, डेक 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1, ये सुपर कंप्यूटर का नाम है, ठीक है, और क्रे XMP, ठीक है, क्रे मतलब CRAY, इसको क्रे XMP पढ़ते हैं, ये भी एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो ये चिप माइक्रो प्रोसेसर ऐसा होता है। फिफ्थ जनरेशन जो थी वो 1980s के बाद अभी तक चल रही है, अब तो सिक्स जनरेशन आ गई है। फिफ्थ जनरेशन जो थी 1980s के बाद चल रही है। टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ हुई थी, हो रही थी, वो थी ULSI, ठीक है, ये रोबोटिक्स बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, ठीक है ना, कि सिस्टम अपना 50% वर्क अपने आप से इंटेलिजेंसी इसमें एक्टिव हो गई थी। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो थे जैसे डेस्कटॉप अपना, ठीक है, लैपटॉप जो हम लोग यूज़ करते हैं, पोर्टेबल डिवाइस जो होती है, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स जो बनाए गए थे, सिस्टम्स बनाए गए, वो किसके हैं, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। अभी सिलेबस में सिक्स सेवन्थ जनरेशन का पार्ट डिस्कस नहीं होता है, इसलिए हम अपने इस लेक्चर में फिफ्थ जनरेशन तक का ही दिखाएं, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि सिक्स जनरेशन कहाँ से ले आए, सेवन जनरेशन कहाँ से ले आए, तो जो बुक्स में है, जो सिलेबस में है, वहीं तक का रखा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सभी का टाइम पीरियड याद रखना होता है,
किस जनरेशन में कौन सी चीज़ इन्वेंट हुई, किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स आया, सेकंड में क्या आया, ट्रांजिस्टर, उसको फिर माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी आईसी आया, इंटीग्रेटेड चिप, उस आईसीज को कंबाइन करके फिर आया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और फिर जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, ठीक है, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है, यूएलएसआई का फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। इसके जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का नाम होता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टाइम निकाल के आप लोगों के लिए कोई ना कोई वीडियो लाता रहूँगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।